नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कई बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वे हर बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत की तरफ लगातार फायरिंग करता आ रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के बीच सामंजस्य के चलते पाकिस्तान की किसी तरह की हरकत को कामयाब नहीं होने दे रही है। देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आने वाले समय में टॉप 3 की श्रेणी में आ जाएगा। उक्त बातें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने SSB के प्रशासनिक व आवासीय भवन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोल रहे हैं। परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सारे लोग यहाँ मौजूद और हमारे सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारी वर्ग और बहादुर जवान, आज इस सशस्त्र सीमा बल रीजनल हेडक्वार्टर का शुभारंभ करते हुए मुझे बेहद खुशी हुई है। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जो जानकारी दी गई इस रीजनल हेडक्वार्टर पर लगभग 347 कितने हैं 347 आवास भी बने हैं। चाहे हमारी कोई भी फोर्स हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो पहला सवाल मैं यही करता हूं कि हमारे फोर्स के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए कितने आवास निर्मित हैं। जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है बराबर अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह कभी कभी जोखिम भरी परिस्थितियों में भी हमारे जवानों को करना पड़ता है। और जो परिवार यदि दूर दराज रहते हैं स्वाभाविक रूप से परिवारजनों को चिंता होती है और सीमा पर तैनात हमारे बहादुर जवानों को भी अपने परिवार के लोगों की चिंता बनी रहती है। तो मेरी यह पक्की धारणा है कि सीमा पर तैनात अपने जवानों के मनोबल को यदि हम ऊंचा करना चाहते हैं यह आवश्यक है कि दूर दराज यदि उनके परिवार के जो सदस्य रह रहे हैं उनका भी मनोबल ऊंचा होना चाहिए और सीमा पर तैनात जो सुरक्षा के जवान को पूरी तरह से आश्वस्ति होनी चाहिए इस बात की कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, सही सलामत है। स्वाभाविक रूप से जवान का मनोबल यह ऊंचा हो जाता है। देश की सुरक्षा को लेकर NIA खुफिया एजेंसी CRPF के अधिकारियों के बीच अच्छा तालमेल है। शायद किसी के चलते बीते 4.5 सालों में कोई भी आतंकवादी गतिविधियां देश में नहीं हुई हैं, जबकि अभी तक लगभग 50% नक्सलवाद का सफाया हुआ है। वहीं कुछ जगहों पर उग्रवाद की घटनाओं में भी 80% कमी देखी गई है। आधार पर भी होता है, खतरा बढ़ता है। सिंह साहब, अभी आपने SSB के DG को एक सर्कुलर जारी करने के लिए बोला है कि SSB के जो हॉस्पिटल है उसमें जनता का भी इलाज हो, वो किस तरह से क्या? नहीं, मैंने कहा कि एक तो जवानों का अधिकारियों का प्राथमिकता तो उनकी रहेगी, लेकिन मान लीजिए कोई क्षेत्रवासी गंभीर रूप से बीमार हो गया, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अन्यत्र नहीं जा सकता, इस हमारे SSB के हॉस्पिटल में आएगा, उसका इलाज होगा। और इसके लिए महानिदेशक ने कहा है कि उसके लिए वो सर्कुलर जारी करेंगे।